नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम जेई मेंस आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को नहीं मिल सकेगा आरक्षण क्योंकि अधिकारी नहीं बना रहे हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये दोस्तों दैनिक भास्कर के अंदर न्यूज आई है, यहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया था 4 मई 2019 आज की डेट में और 2:09 AM पे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है यहाँ देखते हैं हम। तो भोपाल केंद्र के सर जो सरकार है, केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण लागू किया है। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थानों में एडमिशन के लिए आदेश 17 जनवरी 2019 को जारी कर दिया गया था। इसके लिए उम्मीदवारों को रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल्स वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के तहत ठीक है सर्टिफिकेट बनवाना होगा, लेकिन भोपाल सहित प्रदेश भर में स्थानीय प्रशासन द्वारा ये सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि जेई मेंस का रिजल्ट घोषित कर हो चुका है। अब देखिए, शुक्रवार से जेई मेंस एडवांस के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब मुसीबत यह है कि इस स्कीम का लाभ कमजोर वर्ग के छात्रों को नहीं मिल सकेगा क्योंकि जेई मेंस के एडवांस में फॉर्म के साथ केंद्र सरकार द्वारा तय फॉर्मेट के अनुसार ही सर्टिफिकेट मांगा गया है। जेई एडवांस में जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो 9 मई है। बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके अभिभावक इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए राजस्व अधिकारी ठीक है अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन्हें सर्टिफिकेट देने के साफ इनकार कर दिया जाता है। ठीक है, अगले पे बात करें यहाँ पे, तो जेई मेन्स के एडमिशन के लिए भी देना होगा सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जेई मेन्स कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह सुविधा दे रखी थी कि इस कैटेगरी में आवेदन करने वाले उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कराते समय सिर्फ कैटेगरी का चयन कर ले ठीक है, वही एडमिशन लेते समय यह सर्टिफिकेट जमा कराए ठीक है, लेकिन उन्होंने यह इस कैटेगरी के तहत आवेदन किया है और उन्हें एडमिशन मिलता है तो सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों जेई मेंस में कैटेगरी का ऑप्शन आया था ठीक है, उसको आपने भरा है तो उसमें आपके साथ तो उस फॉर्म मतलब कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जेई मेंस का, उसमें ईडब्ल्यूएस का सिर्फ कैटेगरी ऑप्शन आपने चयन किया था, आप उसके साथ फॉर्म नहीं लगाया था, लेकिन अब जब एडमिशन लेने जाओगे तो उसमें आपका सर्टिफिकेट मांगेंगे तो वहाँ पर आप नहीं बन रहे, तो इस कारण से आपको कोई ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिल पाएगा। और देखिए यहाँ पे जो अफसरों ने क्या अपनी मजबूरी बताई है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अधिकारियों का तर्क है कि प्रदेश सरकार की ओर से इस तरह का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। सरकार की ओर से जब तक आदेश जारी नहीं होगा तब तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी एग्जाम के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। दोस्तों तो धन्यवाद।